आज बनाएंगे सेव टमाटर यानी कि सेव टमाटानू शाक। उसके लिए मैंने यहाँ पे 2.5 टेबल स्पून जितना तेल लिया है। वो गर्म हो जाने के बाद उसके अंदर राई के दाने, जीरा, पिंच ऑफ हींग और हरा लहसुन डाला है, उसको सोते कर लेंगे। बाद में हम 4 से 5 कटे हुए टमाटर ऐड कर देंगे। उसमें से मैंने थोड़ा टमाटर साइड में रख दिया है, वो हम बाद में यूज करेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। सॉल्ट अपने स्वाद के अनुसार लेंगे, हल्दी पाउडर लेंगे, ये भी हम मिक्स कर लेंगे। बाद में 1 चम्मच जितना मैंने गार्लिक, थोड़ी सी कश्मीरी रेड चिली पाउडर और सॉल्ट से कूटा हुआ चटनी बनाई थी वो भी ऐड कर देंगे और अच्छे से उसको मिक्स कर देंगे। अब कवर करके उसको हम पकाएंगे जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तब तक, और बीच बीच में ऐसे ही देखते रहेंगे और मिक्स करते रहेंगे। हल्के से प्रेस कर देंगे टमाटर को। ऑलमोस्ट हमारा टमाटर है वो यहाँ पे पक गया है। अब हम ऐड करेंगे जो बचे हुए हमारे टमाटर थे वो, और थोड़ी सी शक्कर। ये ऑप्शनल है, और सेव टमाटर की सब्जी में शक्कर अच्छी लगती है तो मैंने यहाँ पे यूज की है। वो 2 चम्मच जितना कश्मीरी लाल मिर्च यहाँ पे ऐड किया है, और उसको भी मिक्स कर देंगे और ढक के पकाएंगे इसको। वो टमाटर ज्यादा नहीं पकाने हैं इसलिए थोड़ा सा ही 2 मिनट के लिए पका लेंगे। बाद में हम 1/2 कप जितना पानी लेंगे। पानी उबलना चालू हुआ है तो अब हम ऐड करेंगे सेव। ये सेव की रेसिपी मैंने डाली हुई है, वहां से आप देख सकते हो, ये घर की बनाई हुई सेव है, वो ऐड कर देंगे और उसको मिक्स कर देंगे। और हमारा स्टोव है वो ऑफ कर देंगे क्योंकि ज्यादा पकाएंगे तो सेव पानी को एब्सॉर्ब कर लेगी, तो हमें थोड़ा सब्जी रसे वाली चाहिए। और अब हम लेंगे कोरिएंडर लीव्स और ये हमारी बढ़िया सा सेव टमाटर की सब्जी बनके रेडी।